स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। राजस्थान, गुर्जर प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं के साथ की बदतमीजी, फंसे हुए यात्रियों पर किया हमला, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 5% आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में गुर्जर समुदाय का आंदोलन रविवार को हिंसक हो गया। धौलपुर जिले में गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने राज्य के कई इलाकों में सड़क और रेल यातायात ठप कर दिया। राज्य प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गुर्जर बहुल धौलपुर और करौली जिले में धारा 144 लगा दी है। गुर्जर समुदाय शुक्रवार से आंदोलन कर रहा है। जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ रविवार को हाईवे ब्लॉक किया बल्कि फंसे हुए यात्रियों पर हमला किया और महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के कारण हाईवे की दोनों साइड्स पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। आंदोलनकारियों और सरकारी प्रतिनिधि मंडल में शनिवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। उसके बाद दोनों पक्षों में कोई संवाद नहीं हुआ है। गुर्जर नेता विजय बैसला ने रविवार शाम कहा, आंदोलनकारी पटरी पर बैठे हैं और उनकी आंदोलन पर डटे रहने की नीति है। बैसला ने कहा कि शनिवार की बातचीत के बाद सरकार की ओर से उन्हें कोई संदेश या संकेत नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा, हमें सरकार के साथ कोई बात नहीं करनी है, हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उसे पूरा कर दिया जाए, हम अपने घर चले जाएंगे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।